चलिए देखिए, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट है और बताना है कि मेरा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है बाउंड्री लेयर के बारे में स्टेटमेंट है, द थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लीडिंग एज वेरीज एच अंडरवुड एक्स। इन्होंने बोला है कि जो लेमिनार बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो कैसे वेरी करती है, और बोला है कि जो वेरी करती है वो डेल अंडरवुड एक्स के समानुपाती में वेरी करती है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज लेमिनार के लिए सही है लेकिन टर्बुलेंट के लिए नहीं। टर्बुलेंट मैंने बताया था एक्स की पावर 4/5 के समानुपाती वेरी करती है। तो दूसरा पार्ट देखिए, द थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड लेयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज वेरीज एज एक्स की पावर 4/5, यानी ये बोला जा रहा है कि ये वेरी करती है एक्स की पावर 4/5 के अनुसार। तो ये बात भी सही है, परंतु ऊपर वाली बात लेमिनार के लिए सही है, नीचे वाली टर्बुलेंट के लिए सही है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट मेरे सही हैं। अगले देख लेते हैं, बाउंड्री लेयर इज लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5×10^5। कहा जा रहा है कि बाउंड्री लेयर मेरी लेमिनार होगी, कब लेमिनार होगी, जब रेनॉल्ड नंबर 5×10^5 से कैसा होगा, लेस देन होगा, देखिए लेस देन होगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो ये भी पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों पार्ट सही है। तो इसकी वजह से जो टेट आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। तो टेट आंसर 1, 2, 3 है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार हो भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लूइड ओवर अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज इज फाउंड टू बी 4 mm। कहा जा रहा है कि जब तुम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाओगे तो तुम्हें बाउंड्री लेयर 4 mm मिलेगी थिकनेस। आगे लिखा है रेनॉल्ड नंबर एट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे बताइए रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए, और एडॉप्टिंग 5 एज अ रिलेटिव कांस्टेंट, मतलब आपको जो 5 है वो रिलेटिव कांस्टेंट लेके चलना है। ये है सवाल, चेक कीजिए, मुझे रेनॉल्ड नंबर पूछी जा रही है, ठीक है। तो 5 को यदि मुझे वो लेके चलना है एज अ रिलेटिव कांस्टेंट, तो मैं समझ सकता हूं कि जो डेल्टा का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा वो सर इस्तेमाल हो रहा 5x/√ रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था 5 को एज अ रिलेटिव कांस्टेंट लेके चलिए, रिलेवेंट कांस्टेंट, चेक कीजिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं। चलिए फिर आगे बात बढ़ते, तो डेल्टा मान इन्होंने कितना दे रहा है, ये डेल्टा मान दे दिया 4 mm 5 × अब यही बात एक्स की, तो एक्स कितना है सर, एक्स से 20 सेंटीमीटर लेटे भैया मेरे ये 4 mm रखा और एक्स तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है तो उसको भी एमएम बना लो, तो 20 सेंटीमीटर को एमएम बनाया जाएगा, तो 200 और डिवाइड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। तो मैं चाहूं तो यहां से बड़े ही आराम से अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर और फिर उसका स्क्वायर करके रेनॉल्ड नंबर निकाला जा सकता है ना। तो आप देख पा रहे हैं 4×5 = 20, 50 और 50 से मेरा हो जाएगा 250 और 250 पे जब स्क्वायर कराऊंगा तो 250 पे जो स्क्वायर हो जाएगा तभी तो रेनॉल्ड नंबर पता चलेगा। तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा 625 00, तो ये मेरा 250 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 625 × 00। क्लियर कीजिए, बोलिए भाई बात सबको समझ में आ रही ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस है और लीनियर प्रोफाइल दी गई है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का अगर फॉर्मूला याद हो तो वो फॉर्मूला आता था डेल बाई 2। तो इन्होंने रेशियो किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये रही, बाउंड्री लेयर थिकनेस ये रही, अगर रेशियो निकाला जाएगा तो रेशियो 8/2 आ जाएगा। 8/2 कहीं है नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो कि 0.5 है 8/2 ही है। बाकी ये जो आगे लिखा है डेल क्या है और यू इन्फिनिटी क्या है ये सब को पता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेशियो जो पूछा जा रहा था वो डेल स्टार बटे डेल का पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फॉर एयर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट और U एंड डेल का मान दे दिया, U और डेल के लिए दे दिया रिलेशनशिप, इफ द फ्री स्टीम वेलोसिटी 2 m/s, एयर हैज काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी और डेंसिटी दे दी और पूछा जा रहा है वॉल शियर स्ट्रेस एट x = 1.5 m, यानी एट
एक्स इक्वल टू 1.5 मीटर पे आपको वॉल शियर स्ट्रेस, जिसको मैं टाउ नॉट कहता हूं, मुझे ये निकालना है, सीधी सी बात है ना। तो चलिए फिर ये निकालने के लिए मुझे इस डेल का मान निकालना बेहद जरूरी है। तो डेल का मान निकालने के लिए मुझे रेनॉल्ड नंबर बेहद जरूरी है। तो वॉल शियर स्ट्रेस अगर टाउ नॉट निकालना है तो मैं प्रोसीजर के तौर पर पहले रेनॉल्ड नंबर ही निकाल लेता हूं, पहले मैं रेनॉल्ड नंबर ही निकाल लेता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता था सर, वी डी अपॉन या वी एक्स अपॉन न्यू। तो वी कितना है सर, वी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 2, वी एक्स, एक्स सर कितनी दूरी पर चाहिए था आपको, रेनॉल्ड नंबर कितनी दूरी पर रेनॉल्ड नंबर निकालनी है, 1.5 मीटर की दूरी पर। तो वी एक्स डिवाइड बाई नीचे होता है न्यू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी रही है, 1.5 × 10⁻⁵, चेक कीजिए। तो यहां से मैं बड़े आराम से रेनॉल्ड नंबर बता सकता हूं कि सर यहां से रेनॉल्ड नंबर कितनी आनी चाहिए, है ना। तो निकाल लेते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो अगर मैं यहां से रेनॉल्ड नंबर निकालू तो बताइए जरा सर कितनी रेनॉल्ड नंबर आएगी, तो कैलकुलेटर, तो इसका रूट निकाल के हम लोग बड़े आराम से रेनॉल्ड नंबर को सेटिस्फाई वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व करके। तो 2 डिवाइड बाई 1.5 कर दीजिए, 1.33 × 10⁵, ये मेरी रेनॉल्ड नंबर निकला है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं वॉल शियर स्ट्रेस निकाल लूं। एक बार बताइए अगर मुझे वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट चाहिए, बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत ध्यान से, अगर मुझे टाउ नॉट चाहिए तो टाउ नॉट का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है म्यू डी यू बटे डी वाई। तो मुझे सबसे पहले डी यू बटे डी वाई चाहिए होगा, ये मेरा डेटा आ चुका है। अब अगर वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट चाहिए तो टाउ नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। तो मुझे डी यू बटे डी वाई चाहिए, तो डी यू बटे डी वाई का इस्तेमाल मैं प्रोफाइल से करूंगा कि डी यू बटे डी वाई, और कहां पर चाहिए होता है एट वाई इक्वल टू जीरो। सर डी यू बटे डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो पर निकालना है मुझे। अब एक बात बताओ, यले प्रोफाइल को थोड़ा सा गौर से देखिए इस प्रोफाइल को, और मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोफाइल पर डी यू बटे डी वाई निकालो और एट वाई इक्वल टू जीरो निकालो, तो कहोगे वाई का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और यहाँ वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y2। तो जीरो सर यहाँ अगर वाई जीरो छोड़े तो पूरा टर्म जीरो, यानी इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, बाद वाले टर्म का कोई रोल नहीं, क्योंकि वाई क्यूब 3y2 और वाई जीरो रखना ही मुझे। तो इसका मतलब पहले वाले टर्म का रोल होगा, तो और यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3u∞/2 3u∞/2 बाकी उसका कोई रोल नहीं, वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे अगर ये वैल्यू पुट करानी है तो मुझे u इनफाइनाइट तो मान लो दिया ही दिया है सवाल में, देखिए u इनफाइनाइट मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मान आ जाएगा सर ये 3/2 u इनफाइनाइट सर 2 हो गया, और रही बात डेल, तो डेल के लिए इन्होंने फॉर्मूला दे रखा 4.64, तो नीचे हो जाएगा 4.64 और नीचे था देखिए इनटू एक्स, तो एक्स कितना है 1 मीटर, और अपॉन में था अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस पूरे डेटा को सॉल्व करके मैं डी यू बटे डी वाई जरूर निकाल सकता हूं, पूरे डेटा को सॉल्व करके मैं डी यू बटे डी वाई निकाल सकता हूं, है ना। तो चलिए मैं डी यू बटे डी वाई निकाल देते हैं इस पूरे डेटा को सॉल्व करके। रेनॉल्ड नंबर कितनी थी सर, 1.33 × 10⁵, और फिर मुझे उसका लेना पड़ेगा रूट इंटू, अच्छा 2 से 2 देखिए अलग कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इंटू में आप 3 कर दीजिए और डिवाइड बाई 4.64 कर दीजिए, तो ये जो मान आया मेरे पास वो 235 आया, अभी 235 कर लो या 236 कर लो अप्रॉक्स, तो ये जो मान आया मेरे पास 236 आया ये, लेकिन डी यू बटे डी वाई का मान आया, ये बात ध्यान रखना, अभी आंसर मुझे नहीं मिला, ये डी यू बटे डी वाई का मान आया है 236, और मात्रक सब जगह बैलेंस है क्योंकि मैं एसआई यूनिट को लेकर चल रहा हूँ। अब सवाल था वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट निकालना, अब एक बात बताओ अगर मुझे वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट चाहिए, टाउ नॉट चाहिए तो टाउ नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई, म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। लेकिन सवाल यह है कि मुझे सवाल में कहीं पर भी म्यू नहीं दिया, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी म्यू नहीं दिया, डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं दी,
तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी बराबर होता है म्यू बटे रो, होता है। तो म्यू निकालना हो तो इन दोनों का क्या डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मल्टीप्लाई के तौर पे या इस म्यू की जगह पे लिख सकता हूं मैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी इंटू रो, ठीक है। तो बस फिर इन तीन डेटा का मल्टीप्लाई चाहिए, वॉल शियर स्ट्रेस एट वाई इक्वल टू जीरो पता चल जाएगा। न्यू तो सबसे पहले न्यू कितना है, तो न्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू फिर रो, तो रो कितना है सर, देखिए रो 1.23 इंटू डी यू बटे डी वाई, अभी अभी ये निकला 236, तो ये जो मान निकल के आया वो 4.35 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अगर आप इस पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान मेरे पास निकल के आ रहा है वो 4.35 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और वॉल सियर स्ट्रेस है तो इसका जो मात्रा हो रहा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हो रहा, इसकी जो यूनिट हो रही वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में हो रही। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि मतलब कोई फॉर्मूले याद नहीं करने थे इसमें, इस सवाल में सारी चीजें इन्होंने दे रखी थी, बस ये था कि आपको बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं आता, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वैसा ट्रिपल क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन ये था कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिख भी देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज 1 mm एट लोकेशन वेयर रेनॉल्ड नंबर इज 1000। देख लीजिए, यदि जहां पर रेनॉल्ड नंबर 8000 थी वहां पर बाउंड्री लेयर थिकनेस 8 mm आई। फिर आगे लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज एलोन इज इंक्रीज्ड बाई 4 times, यानी वेलोसिटी आपने 4 times बढ़ा दिया, तो बताइए उस समय आपका बाउंड्री लेयर जो थिकनेस होती है एट द सेम लोकेशन कितनी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, ये बताइए अगर आप वेलोसिटी को 4 times बढ़ाते हो, वेलोसिटी को 4 times बढ़ाते हो, और वो भी कौन सी वेलोसिटी, यू नॉट, यू नॉट मतलब फ्री स्टीम वेलोसिटी, तो मुझे आप ये बताइए कि रेनॉल्ड नंबर कितने टाइम्स बढ़ेगी। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी एक्स अपॉन म्यू, है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 4 times बढ़ाई है तो रेनॉल्ड नंबर भी 4 times हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने रेनॉल्ड नंबर 8000 दी, 8000 से 4000 हुई, लेकिन फ्लो तो लेमिनार ही रहेगा क्योंकि फ्लैट प्लेट है आपका। तो एक बात बताइए कि जो डेल का फॉर्मूला होता है वो 1/ रेनॉल्ड नंबर के अंडर रूट के समानुपाती होता है, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन होती है फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो, है ना, बिल्कुल सही बात। और कब, जब प्रोफाइल, वैसे ही कंडीशन जनरल कंडीशन है। आगे देखिएगा, तो रेनॉल्ड नंबर मैंने कहा कि वेलोसिटी को 4 गुना करने से रेनॉल्ड नंबर 4 गुनी हुई, तो एक बात बताइए अगर रेनॉल्ड नंबर 4 गुनी हुई तो 4 का अंडर रूट 2 और 1/2 है, तो कन्फर्म जो आपका आपका अगला डेल हो रहा वो 1/2 हो जाएगा, अगला जो डेल हो रहा वो 1/2, क्योंकि ये 4 times 4 का अंडर रूट 2 times 1/2 times, तो 1/2 times हो जाएगा। तो पहले कितनी थी थिकनेस बाउंड्री लेयर की, तो पहले थिकनेस थी 1 mm, तो 1 का 1/2 कर दीजिए, तो 1 का 1/2 करेंगे तो करेक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा 0.5 mm, यानी 1 का 1/2 0.5 mm, तो करेक्ट आंसर 0.5 mm, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा समझना था कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, बस ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन केवल उसी में आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आगे देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो ऑफ वाटर ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ 1 meter, कहा जा रहा है कि लेमिनार फ्लो है, ये पहले से इन्होंने बता दिया, और कितने मीटर फ्लैट प्लेट में, 8 meter फ्लैट प्लेट की पूरी लंबाई है। इफ द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ डिस्टेंस 0.25 meter फ्रॉम द लीडिंग एज इज 8 mm, कहा जा रहा है कि 0.25 meter की जब लेंथ पे जाते थे तब बाउंड्री लेयर जो थिकनेस थी वो तुम्हारी 8 mm मिलती थी, ऐसा सवाल बोला जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है, इन द बाउंड्री लेयर थिकनेस 8 mm, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.75 meter,
मतलब ये है कि जब तुम 0.75 मीटर की डिस्टेंस पे जाओगे उस समय बाउंड्री लेयर थिकनेस आपकी क्या मिलेगी, उस समय बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या मिलेगी, ये है मेरा सवाल। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेमिनार फ्लो पहले ही बोल दिया, तो लेमिनार फ्लो के लिए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है डेल, वो अंडर रूट एक्स के समानुपाती होती है, अंडर रूट एक्स के समानुपाती होती है। तो बताइए एक्स 0.25 से 0.75 किया गया है, मतलब x अगर पूछा जाए कि 0.25 से 0.75 किया गया है कितना टाइम्स किया गया है, तो कहोगे 3 टाइम्स किया गया है। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स किया गया है, तो 3 का भाई 3 टाइम्स किया गया है, तो इसका मतलब नई जो थिकनेस हो जाएगी वो अंडर रूट 3 इंटू 8 mm हो जाएगी, अंडर रूट 3 इंटू 8 mm या 8√3 mm भी बोल सकते हैं। भाई पहले 8 mm थी, ये 3 टाइम्स हुआ है, अंडर रूट x के समानुपाती है, तो नई जो थिकनेस हो जाएगी वो 8√3 mm हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8√3 mm। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर की कंडीशन लगाई है, लेकिन इन्होंने शुरुआत में बोल दिया था कि फ्लो लेमिनार है, इसलिए मैंने लेमिनार की कंडीशन लगाई और इसका करेक्ट आंसर आ गया 8√3 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक छोटा सा सब्जेक्टिव है, हालांकि सब्जेक्टिव उसी डेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मेरे पास एयर है, डेंसिटी दे दी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी, विद अ वेलोसिटी दे दी, फ्लो द टॉप सरफेस ऑफ अ फ्लैट प्लेट, लेंथ भी दे दिया, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन की एवरेज वैल्यू भी दे दी है, एवरेज दे दी, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये फॉर्मूला वैसे मुझे पता भी था पहले से, टोटल ड्रैग फोर्स इन न्यूटन बताइए ड्रैग फोर्स कितना है, तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला भाई सबको पता है कि सर यदि आपको ड्रैग फोर्स एफ डी चाहिए तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है कि ड्रैग कोफिशिएंट इनटू हाफ रो वी स्क्वायर और इनटू प्लेट का एरिया, ये है मेरा सवाल, ये ड्रैग फोर्स आएगा इन न्यूटन, चेक कीजिए। ठीक है, बोलिए भाई। अच्छा, ड्रैग फोर्स इन न्यूटन बोला जा रहा है, लेकिन आगे लिखा भी है पर यूनिट विड्थ, यानी उसकी जो विड्थ होगी वो यूनिट मान लेना। तो सबसे पहले मुझे ड्रैग फोर्स चाहिए, ले ड्रैग फोर्स बिना रेनॉल्ड नंबर के नहीं निकल सकता, क्योंकि फॉर्मूले में देख लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मेरा काम हो रहा है रेनॉल्ड नंबर निकालना। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर निकाल लेते हैं, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सर रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जो होता है, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, यहां पर आर ई एक्स नहीं होता, एक्चुअली में आर ई एल होता है, आर ई एल। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है 1.328 डिवाइड बाई, और सॉरी क्या लिख रहे हैं, पहले रेनॉल्ड नंबर निकालना है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन न्यू। तो वी कितना है? वेलोसिटी 2 है, डी नहीं एक्स लगाइए एक्स, तो एक्स कितना है सर? एक्स से 2.5 meters, तो ये 2.5 हो गया वी एक्स डिवाइड बाई न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵। सॉल्व कराइए, तो सॉल्व कराने से आपको पता चल रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेनॉल्ड नंबर आर ई एल निकलेगा वो आ जाएगा 2.5 × 10⁵+5। तो ये जो मेरे पास मान आ रहे, ये मेरा रेनॉल्ड नंबर पता चल गया, 2.5 × 10⁵। ठीक है, अच्छा ये रेनॉल्ड नंबर पता चल गया, तो मैं फटाफट सी डी का मान जो दिया गया है निकालता हूँ, तो वैल्यू को आप डायरेक्ट डेटा पुट कराता हूं, तो बताइए सी डी है 1.328 अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर इंटू हाफ रो वी स्क्वायर, और वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी सॉरी एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हो जाएगा सर, लेंथ कितनी थी? 2.5 meters, ले रहे पर यूनिट विड्थ पूछा जा रहा है, इसका मतलब 2.5 × 8 ये लगना पड़ेगा, बस थोड़ी वैल्यू और रखिए आंसर आ जाएंगे फटाफट। है तो मैं काम करता हूं, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई अलग करा लेता हूं, तो ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई यदि कराया जाए तो 1.328 इंटू रो, तो डेंसिटी है 1.2 इंटू वी, सर वी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2.5, तो ऊपर वाले का जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कराने से जो मान मेरा निकल के आया वो निकल के आया 15.936, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कराने से आया। नीचे वाले में क्या हो जाएगा सर? नीचे अंडर रूट यानी 2.5, पहले 2.5 इंटू 10⁻⁵ रूट 500, इसका रूट आ रहा 500,
और नीचे दो भी था, तो नीचे दो भी था तो 500 * 2 मेरा 8000 हो जाएगा। तो यहां से फटाफट मैं बता सकता हूँ कि सर ड्रैग फोर्स कितना आना चाहिए। और मात्रक सब के आप देख ही रहे हैं, मात्रक सब में मैंने ऐसा ही मात्रक लिया, तो डायरेक्ट ही मैं कह सकता हूँ कि सर जो ड्रैग फोर्स आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन में ही पूछा जा रहा है, 15.936 × 10⁻³ न्यूटन, सर इतना आ जाएगा ड्रैग फोर्स। और ये ड्रैग फोर्स इस वजह से कम है क्योंकि जो फ्लो होने वाली आपकी फ्लूड है वो एयर है। अगर ये एयर ना होता, कोई और लिक्विड होता, तो ड्रैग फोर्स काफी ज्यादा होता। क्योंकि जब कोई लिक्विड होता तब यहाँ पर जो डेंसिटी रो आपने लिखा है ये 8000 हो जाता, काफी ज्यादा वैल्यू हो जाती है ना। उसके साथ साथ उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स कम इस वजह से आया क्योंकि एयर है, एयर का ड्रैग फोर्स कम ही होता है अकॉर्डिंग टू लिक्विड, एनी लिक्विड। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा ट्रिपल क्वेश्चन है, आपके सारे फॉर्मुले पता है तो बहुत आराम से लगा सकते। तो देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी में थोड़े बहुत हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनको देख लेते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए फिर से पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है न्यूमेरिकल में। फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी प्रोफाइल, मेरे पास ये तीन वेलोसिटी प्रोफाइल बोली जा रही है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलो हैज सेपरेटेड, वेदर हैज फॉलो है फ्लो इज सेपरेटेड और वर्ज ऑफ सेपरेशन और विल अटैच फ्लो। मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेपरेशन की कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन वर्ज ऑफ सेपरेशन की होगी, कौन सी कंडीशन अटैच फ्लो की होगी, है ना। तो ये सारी कंडीशन देने के लिए निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल दी रही है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल दी रही है तो मैं वेलोसिटी प्रोफाइल की मदद से बड़े आराम से बता सकता हूँ कैसे। आपको करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है जो मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि आप डेवर यू डिवाइड बाई डेवर वाई निकाल लो एट वाई इक्वल टू जीरो, बस ये पॉइंट आप निकाल लो। जैसे मुझे ये पॉइंट मिला तो मैं बड़े ही आराम से बता दूंगा कि कौन सी कंडीशन वर्ज ऑफ सेपरेशन है, कौन सी कंडीशन जो है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं एक बार निकाल लेता हूं और इसको कैसे निकालना है उस बात को समझिए। देखिए यहां पर स्मॉल यू बटे कैपिटल यू का जो पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन उसमें देखिए स्मॉल यू बटे कैपिटल यू का मान 3/2 y/(-8/2 y/(-2) का क्यूब लिखा है। तो मुझे करना क्या है सबसे पहले कि डेवर यू डिवाइड बाई डेवर वाई निकालना है और फिर उसमें y इक्वल टू जीरो रख देना है। मुझे यही तो चेक करना है कि ये मान कैसा आएगा। तो एक बात बताइए, जब u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का आओगे तो यहां y का डिफरेंशिएशन 1 और यहां y का डिफरेंशिएशन क्योंकि y क्यूब है तो 3y², तो यानी यहां y आएगा तो y जीरो रखोगे तो ये जीरो हो चुका होगा। लेकिन यहां y जीरो रखोगे भाई y का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका ना, तो यानी यहां y नहीं आएगा, तो y नहीं आएगा तो ये वाला टर्म प्लस में है, यह टर्म प्लस में, तो इसका मतलब है कि सर y नहीं आएगा, ये टर्म प्लस में है, तो कंफर्म ये पूरा डेटा सॉल्व करोगे तो डेवर u / डेवर y > 0 आएगा यहां पर। बताइए श्योर है, इधर आइए, मुझे डेवर u / डेवर y फिर से यहां निकालना है, परंतु ये जो डेवर y / डेवर ये u / y निकालना है ये एट y इक्वल टू जीरो निकालना है, एट y इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू जीरो निकालना है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y². सर यहां भी y आ रहा है डिफरेंशिएशन करने बाद, यहां भी y आ रहा है, y जीरो रखोगे तो कंफर्म ये डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तीसरा केस आइए, सर डेवर u / डेवर y निकालना है मुझे इस तीसरे वाले टेस्ट के लिए, डेवर u डिवाइड बाई डेवर y और एट y इक्वल टू जीरो, बात नॉर्मल सी है। तो जैसे ही मैं u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ट्राउंगा तो यहां y हट जाएगा, परंतु ये माइनस में है, लेकिन यहां y रहेगा तो y यहां रखो जीरो हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर का डिफिनेशन 2y, यहां y का मान तो माइनस में है ना भाई, यहां जीरो रखो y का मान तो ये पूरा टर्म हट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां y का डिफिनेशन 1 हो जाएगा तो -2/(∆)·U, तो कन्फर्म ये मान मेरा निगेटिव आएगा, बस फिर निकल आया। तो जब भी तभी डेवर u / डेवर y शुड बी इक्वल टू जीरो एट y इक्वल टू जीरो, तो मैंने बताया था ये कंडीशन तुम्हारी इतलाती है वर्ज ऑफ सेपरेशन, तो दिस कंडीशन इज नोन एज वर्ज ऑफ सेपरेशन। बोलिए भाई बात सबको क्लियर हो रही ना। फिर आगे मैंने क्या बताया था कि सेपरेशन सर उसी समय होता है जब y की जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू y वो हमारा कह सकते हो लेस देन जीरो हो। तो जब भी तभी नेगेटिव वाला केस आएगा तो अभी u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेस देन जीरो तब भी कह सकते हो कि सेपरेशन हो रहा, तो सेपरेशन हो रहा तो कह सकते हो फ्लो विल सेपरेट,
तो ये कंडीशन वो है जिसमें फ्लो विल सेपरेट होगा। सर ये क्या कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जिसमें अब देखिए लेस देन ग्रेटर देन जीरो, तो स्लोप ने पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब वेलोसिटी जब घटेगी ही नहीं और वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो ये फ्लो हो जाएगा अटैच्ड फ्लो, तो दिस फ्लो इज नोन एज अटैच्ड फ्लो, अटैच्ड फ्लो। चलिए तो मैंने देखिए तीनों ही क्वेश्चन को बहुत जल्दी जो है बहुत आराम से सॉल्व कर दिया। इस तरह से सॉल्व करना आपको भी आना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है? काफी इजीली सॉल्व कर दिया। चेक कीजिए, फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी प्रोफाइल डिटरमाइन द सेम कंडीशन है। चलिए फिर तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल। अब देखिए वेलोसिटी जो प्रोफाइल इस बार दी है वो यू डिवाइड बाई यू नॉट की पावर वाई की बटे डेल्टा की पावर एन, ये है वेलोसिटी प्रोफाइल। और आगे लिखा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। दो तरह की थिकनेस पूछी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम। निकाल देते बड़े आराम से। सबसे पहले मैं निकाल देता हूं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो याद करिए अगर मुझे याद है जहां तक कि जो पहला डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है डेल स्टार, इसका जो फॉर्मूला था वो इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा है ना, और अंदर था ब्रैकेट में वन माइनस यू बटे यू नॉट, वन माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट। तो वन माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट है, तो वन माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट। तो भैया मेरे यू डिवाइड बाई यू नॉट का मान ही तो वाई बटे डेल्टा की पावर एन है, तो वाई बटे डेल्टा की पावर एन। चेक कीजिए है ना। अब इसी का यही तो मुझे इंटीग्रेशन कराना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, करा दीजिए। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो यहां से मुझे डेल स्टार पता चल जाएगा। तो वन का इंटीग्रेशन वाई माइनस y की पावर n का इंटीग्रेशन y की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई, अब नीचे भी n प्लस वन रहेगा लेकिन उसके साथ साथ मेरा डेल्टा आ जाएगा। चलिए लिमिट जीरो से डेल्टा। अब थोड़ा सा एक बात सोचिए कि सर मैं यहां डेल स्टार निकालने जा रहा हूं, तो यहां तो डेल रहेगा और यहां देखा जाए अच्छा डेल की पावर एन रहेगा, सॉरी पहले डेल की पावर एन कीजिए। तो यहां जब वाई के स्थान पर डेल रखोगे तो डेल की पावर एन कैंसिल, ऊपर आ जाएगा डेल केवल टोटल पावर वन है और नीचे एन प्लस वन। लेकिन पूरा डेटा यदि सॉल्व कराया जाए मतलब एन प्लस वन को इधर लाया जाए और माइनस वन किया जाए तो मानी बात है ऊपर वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इस रिजल्ट को सॉल्व कराएंगे तो ये जो मान निकल के आएगा ये एन डिवाइड बाई एन प्लस वन और साथ साथ कह सकते हो ऊपर केवल और केवल डेल। तो ये जो मान मेरा निकल के आएगा ये मेरा निकल के आएगा उस डेल स्टार का मान मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो ये आंसर मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का है। लेकिन मुझे इन्होंने एक और थिकनेस पूछी थी मोमेंटम थिकनेस, तो निकाल देते मोमेंटम थिकनेस भी बहुत आराम से। तो सर मोमेंटम थिकनेस क्या होती है? पहले मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा है ना। अंदर क्या होता है? अंदर होता है पहले u बटे u नॉट, तो u बटे u नॉट y बटे डेल्टा की पावर n और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस y डिवाइड बाई डेल की पावर n का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन। बस फिर सवाल को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे तो सर थीटा चाहिए, मुझे तो थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा चाहिए तो इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा साथ साथ लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कराने के बाद जब सॉल्व कराऊंगा तो कन्फर्म मेरा कन्फर्म डेल बाहर हो रहा, श्योर है। हर बार ऐसा हुआ है और हो रहा भी इस बार भी। तो सर वाई की पावर एन का इंटीग्रेशन जब मल्टीप्लाई वन में हो रहा तो वाई की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो वाई तो एडजस्ट हो गया लेकिन नीचे यहां रहेगा वन अपॉन एन प्लस वन, ये रहेगा। चलिए सर माइनस माइनस अब ये कितना हो जाएगा वाई बटे डेल्टा की पावर एन प्लस एन। तो अरे भैया एन ये सॉरी एन प्लस एन नहीं होगा मल्टीप्लाई में, हाँ एन प्लस एन टू एन हो जाएगा टू एन। तो वाई बटे डेल्टा की पावर कह सकते हो कि एन प्लस एन टू एन हो गया। तो 2n को अगर मैं इंटीग्रेट कराऊं तो ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 1 y की पावर 2n प्लस 1 और नीचे भी 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 तो वो कट जाएगा 2n से 2n डेल्टा। तो यहां नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा केवल और केवल 2n प्लस 1।
है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया। मैं चाहूं तो इसको और अच्छे से सॉल्व करा सकता हूं, बता सकता हूं कि मोमेंटम थिकनेस कितनी होगी। तो मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो एलसीएम देखिए कितने का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एन प्लस वन का, और साथ साथ हो जाएगा टू एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन के साथ साथ हो जाएगा यहां पर टू एन प्लस वन, यहां डेल्टा। अच्छा इधर जाया जाएगा तो इधर हो जाएगा टू एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, लेकिन जो टू एन प्लस वन था उससे माइनस एन कैंसिल करोगे तो ऊपर एन बचेगा। तो एन डिवाइड बाई एन प्लस वन और टू एन प्लस वन इंटू डेल्टा, ये मेरी जो मान आ रही है ये मोमेंटम थिकनेस का मान आ रही है, ये जो मान आ रही है ये मेरा मोमेंटम थिकनेस का मान आ रही है। अब कई बार क्या लोग क्या करते हैं कि इसी मान को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इससे सेफ फैक्टर पूछ लेते हैं। तो सेफ फैक्टर आपको पता है कि इसका इसके साथ रेशियो निकाल दिया जाता है, सेफ फैक्टर। जब इसका इसके साथ रेशियो निकाला जाएगा तो कन्फर्म रेशियो जो आएगा वो वन अपॉन टू एन प्लस वन आएगा, बाकी सारे डेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, चेक कर सकते हैं ना। तो बड़े आराम से मैं इसका रेशियो भी बता सकता हूँ। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है मेरा, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो बाउंड्री लेयर सच डेट। अब देखिए इन्होंने टाउ का मान दिया है, इस बार टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान दिया है टाउ नॉट, और ब्रैकेट में है वन माइनस वाई बाई डेल्टा, वन माइनस वाई बाई डेल्टा, ये मेरा टाउ नॉट है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बताइए क्या होगी सर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आप उसी समय बता सकते हो। ये एक्चुअली मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ टाइप कर दिया है, उठा लिया है, यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और यहां तक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फिर कोई बात नहीं, हम लोग इसकी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अगर मुझे निकालनी है तो मुझे वेलोसिटी की प्रोफाइल पता होना चाहिए, बिना वेलोसिटी की प्रोफाइल के मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस नहीं बता सकता, जो कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पहला है वो यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए फिर, तो सियर स्ट्रेस प्रोफाइल दी जा रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल पूछी जा रही है, निकाल लेंगे बड़े आराम से। ये बताओ सियर स्ट्रेस टाउ का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ का फॉर्मूला होता है म्यू डी यू बटे डी वाई, ये बात सबको पता है, इक्वल टू टाउ नॉट, और अंदर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, अंदर हो जाएगा वन माइनस वाई बटे डेल्टा, वन माइनस वाई बटे डेल्टा। लेकिन भैया इंटीग्रेट कराना पड़ेगा तभी मेरी वेलोसिटी की प्रोफाइल मिल जाएगी, तो इंटीग्रेट कराया जाए तो कह सकते हो म्यू, और यहां पर हो जाएगा डी यू, म्यू डी यू, चेक लीजिए। अच्छा म्यू डी यू हुआ, और यहां पर मैं डी वाई पर ले जाऊं तो डी वाई पर ले जाऊंगा तो कह सकता हूं टाउ नॉट, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस वन माइनस वाई बटे डेल्टा, और ये डी वाई, चेक लीजिए, कठिन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इसको इंटीग्रेट करा दू बहुत अच्छे से, तो उस तरफ जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, इस तरफ जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, तो म्यू इंटू यू। इधर भी इंटीग्रेशन कराइए तो टाउ नॉट उसी तरह से, टाउ नॉट उसी तरह से। अब y का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन कराऊंगा तो y हो जाएगा माइनस, यहां y का इंटीग्रेशन कराऊंगा तो y स्क्वायर और डिवाइड बाई कह सकते हो 2 डेल्टा हो जाएगा, और एक साथ साथ मुझे कॉन्स्टेंट c भी लेना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आ रही, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की इक्वेशन निकल के आ रही, म्यू इंटू यू इक्वल टू टाउ नॉट वाई माइनस वाई बटे टू डेल्टा, वाई स्क्वायर बटे टू डेल्टा प्लस सी। लेकिन मुझे सी भी निकालना है, तो सी निकालने के लिए मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं। जैसे ही मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा बहुत आराम से मुझे सी पता चल जाएगा कि सी कितना होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है सर, बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि जब भी कभी मेरा वाई होगा जीरो, जब भी तभी मेरा y होगा जीरो तो वेलोसिटी u होगी जीरो। ये तो मेरी बाउंड्री कंडीशन है कि y इक्वल टू जीरो हो तो वो u भी जीरो होना चाहिए। और एक बात बताइए, अगर y इक्वल टू जीरो मैं यहां बोलता हूं और उससे u भी जीरो आ गया तो मैं यहां से c बता सकता हूं, उस समय c कितना आएगा, तो उस समय जो c निकलेगा सर वो भी जीरो आएगा। तो मैंने जैसे ही बाउंड्री कंडीशन लगाई कि एट वाई इक्वल टू जीरो शुड बी इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो देन सी इक्वल टू जीरो, तो वैसे ही सी इक्वल टू जीरो आ गया तो मुझे फाइनली रिजल्ट मिल गया म्यू इंटू यू इक्वल टू टाउ नॉट और अंदर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे टू डेल्टा। तो मैं इस रिजल्ट को साइड में कहीं लिख देता हूं, इस रिजल्ट को साइड में कहीं लिख देता हूं। तो रिजल्ट देखिए क्या आया था, रिजल्ट आया था म्यू इंटू यू
म्यू इंटू यू इक्वल टू म्यू इंटू यू इक्वल टू टाउ नॉट और ब्रैकेट में था वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू डेल्टा, क्योंकि जो आगे सी लगा हुआ था वो सी मेरा जीरो हो चुका था इस सवाल में, है ना। तो म्यू इंटू यू ठीक है, सही है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे एक और यहां पर कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि मुझे टाउ नॉट भी पता चले, बहुत ध्यान सुनना, टाउ नॉट भी पता चले। तो उसके लिए मुझे एट बाउंड्री लेयर की कंडीशन लगानी पड़ेगी, एट बाउंड्री लेयर, एट बाउंड्री लेयर। तो जल्दी से बताइए, अगर बात बाउंड्री लेयर की करते हैं, बाउंड्री लेयर की, तो बाउंड्री लेयर के लिए जो वाई शुड बी होना चाहिए वो इक्वल टू डेल्टा हो जाना चाहिए। कि सर बाउंड्री लेयर के लिए तो वाई डेल्टा के बराबर होता है, और जब वाई डेल्टा के बराबर होता है तब उस समय जो वेलोसिटी यू होती है सर वो यू नॉट हो जाती है, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो एट वाई इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू यू नॉट, सबको पता है। तो मैं यू इक्वल टू यू नॉट रगा दू तो कह सकता हूं कि म्यू इंटू यू, यू की जगह यू नॉट, टाउ नॉट का मान, तो टाउ नॉट का मान ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि टाउ नॉट मुझे निकालना है, और अंदर y इक्वल टू डेल्टा रखना है। तो भैया मेरे y इक्वल टू, जब डेल्टा तुम यहां रखोगे डेल्टा, यहां डेल्टा स्क्वायर बटे टू डेल्टा, तो एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, डेल्टा बाई टू, तो डेल्टा माइनस डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू। तो यहां से फटाफट मैं कह सकता हूं कि सर टाउ नॉट कितना आएगा, तो टाउ नॉट का जो मान मुझे पता चल जाएगा वो इस दो इधर ले आइए, तो टाउ नॉट का मान हो जाएगा टू म्यू यू नॉट डिवाइड बाई डेल्टा, 2 म्यू यू नॉट डिवाइड बाई डेल्टा, चेक कीजिए। तो मेरा ये टाउ नॉट का मान पता चल गया, और ये टाउ नॉट का मान उठा के ऊपर पुट करा दीजिए, और जैसे ही पुट कराया जा रहा है इस टाउ नॉट का मान, तो वैसे ही मुझे रिजल्ट फाइनली पता चल जाएगा, देख लीजिए। तो फाइनली रिजल्ट देखिए, अगर निकालना है तो म्यू इंटू यू टाउ नॉट का मान, तो टाउ नॉट का मान देखिए इतना है 2 म्यू यू नॉट डिवाइड बाई हमारा डेल्टा, और अंदर था मेरा y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू डेल्टा, चेक कीजिए। तो मैं चेक कर सकता हूं कि यहां से जो u डिवाइड बाई यू नॉट है ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, सॉरी म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो मैं यहां से u डिवाइड बाई यू नॉट निकाल सकता हूं। तो u डिवाइड बाई, अगर u नॉट निकालना है, अच्छा u कौन सी वेलोसिटी होती है एट डिस्टेंस y, है ना, u नॉट कहां पे वेलोसिटी होती है एट वेलोसिटी एट बाउंड्री लेयर, तो 2 बटे डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई आना पड़ेगा। जैसे मैं 2 बटे डेल्टा का मल्टीप्लाई डाउन अंदर, तो 2y बाई डेल्टा माइनस, और आगे जब अंदर और 2 का मल्टीप्लाई डाउन रहा, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा y बटे डेल्टा का होल स्क्वायर, देख लीजिए। ये मुझे पता चल रही वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो शियर स्ट्रेस के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा क्वेश्चन सियर स्ट्रेस के फॉर्म में था, उस सियर स्ट्रेस से मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल पहले निकाल ली। आपको क्वेश्चन फिर से एक बार दिखा दूं, क्वेश्चन में सियर स्ट्रेस दिया था, उसको मैं सॉल्व करता गया, कंडीशन अप्लाई करता गया, और कंडीशन अप्लाई करते करते मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल पता चले। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो अब मेरा आसान हो गया, सर अगर ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको पता चल चुकी है, यहां से मैं बहुत आराम से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बता सकता हूं, वेलोसिटी प्रोफाइल पता चल चुकी है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बता सकता हूं। तो याद करिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार क्या होता है, तो सर डेल स्टार होता है कि इंटीग्रेशन जीरो से वाई लगाइए, सॉरी जीरो से डेल्टा लगाइए, और अंदर होता है वन माइनस यू बटे यू नॉट, तो वन माइनस यू बटे यू नॉट करेंगे तो वन माइनस, और वो जो पहला वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब टू इंटू वाई बटे डेल्टा, और आगे माइनस तो वो प्लस कर देगा, तो प्लस वाई बटे डेल्टा का होल स्क्वायर, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप करा चुके हो हर बार, और हर बार आपको कराना आ भी चुका है, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं कि सर जो कुछ भी मान आएगा वो ब्रैकेट में लगा होगा और बाहर डेल्टा होगा सॉल्व कराने के बाद पूरा, है ना। तो सर वन का इंटीग्रेशन वाई, वन का इंटीग्रेशन वाई, तो वाई डेल्टा रखोगे तो डेल्टा बाहर ले तो लिया है, तो सर यहां वन ही आएगा श्योर एकदम। टू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बटे दो, वाई स्क्वायर बटे दो, तो वाई स्क्वायर बटे दो आएगा, तो दो से दो कैंसिल हो चुका है ना, और डेल्टा मान रखोगे तो एक डेल्टा कैंसिल हो चुका होगा, तो यहां केवल वन ही आएगा बस प्लस।
वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो वाई क्यूब बटे तीन, वाई क्यूब डिवाइड बाई तीन, और वाई क्यूब बटे तीन करोगे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर वो वाई स्क्वायर का मान डेल स्क्वायर रखने पर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बटे तीन तो रहेगा ना, प्लस एक बटे तीन। अच्छा ठीक है, तो यहां से आप लोग कह सकते हो कि प्लस वन माइनस वन कैंसिल, वन बाई थ्री बचा, तो फाइनली पता चल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आएगी इस क्वेश्चन के लिए वो डेल बाई थ्री आएगी। तो ये डेल बाई थ्री मेरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गई। आप सब लोगों ने देखा था इस चीज में कि मुझे बहुत ज्यादा कह सकते हो कि दिक्कतें नहीं पड़ी। हाँ, मुझे शुरुआत में कह सकते हो वेलोसिटी प्रोफाइल निकालते समय थोड़ी सी दिक्कत पड़ी थी, उसके बाद इंटीग्रेशन करते समय ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, और वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा सॉरी, अगला क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन में सर दो पार्ट हैं। एक तो पहला क्वेश्चन मेरा कहां से कहां शुरू हुआ था, तो ये अगला क्वेश्चन जो है यहां से लेकर यहां तक था। अब इन्होंने 87 उत्तर दिया है तो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहां से स्टार्ट है और यहां तक है, है ना। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, उससे पहले मैं अगला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, इसमें भी आएंगे अभी वापसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एयर इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट 500 mm लॉन्ग, 500 mm लॉन्ग है एंड 600 mm वाइड विद ए वेलोसिटी 4 m/s, फाइंड द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एंड ऑफ प्लेट। और इन्होंने न्यू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। प्लेट की लंबाई कितनी है, मेन लेंथ देखिए 500 mm। तो एक बात बताइए, इन्होंने जो बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी है वो एट द एंड ऑफ प्लेट पूछी है, एट द एंड ऑफ प्लेट पूछी है। और देख लीजिए ये बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछने के लिए इन्होंने कहीं पर भी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया। तो जब भी कभी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी जाती है तो मैंने आपको बताया था ब्लेसियस रिजल्ट लगाइए। तो ब्लेसियस रिजल्ट लगाने के लिए तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि फ्लो तुम्हारा लेमिनार में जाता है कि टर्बुलेंट में जाता है इंड पर। तो मैं रेनॉल्ड नंबर निकाल लूं, रेनॉल्ड नंबर निकाल लूं, तो मैं अगर इंड पर रेनॉल्ड नंबर निकालूं तो फॉर्मूला होता है, अब देखो डेंसिटी तो कहीं दिया नहीं है, तो वी एक्स अपॉन न्यू लगा दो, तो वी कितना है, तो वी है 4। एक्स कितनी लंबाई में निकालना है, तो सर लंबाई तो 500 mm है ना, लेकिन 500 mm थोड़ी ना, थोड़े मीटर रखिए, तो 0.5 रो वी एक्स और डिवाइड में होता है न्यू, न्यू तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखिए कितनी है, तो 0.15 इंटू 10^-4। चटीजे, तो इस पूरे डेटा को सॉल्व करके मैं बहुत जल्दी बता सकता हूं कि इंड पर रेनॉल्ड नंबर कितनी है, क्योंकि पूरी लंबाई लिए तो पूरी लंबाई लिए तो इंड पर रेनॉल्ड नंबर निकले, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना। तो 4 × 0.5 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 10^-4, काफी बड़ा डेटा आया है। तो ये जो डेटा निकल के आया है, ये डेटा निकल के आया है, एक काम करते हैं, फालतू में इतना क्यों सॉल्व कर लिया, 10^-4 ऊपर ही रहने दीजिए, तो आप इसको 10^+4 कर लीजिए और इसको लिख दीजिए 4×5 = 20, यानी 2 / 0.15, 13.3 × 10^4। अच्छा 13.3 × 10^4 को मैं एक और डेटा भी लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है 1.33 × 10^5। चेक कीजिए, अब ये बताइए ये जो रेनॉल्ड नंबर आई एट द एंड ऑफ प्लेट 1.33 × 10^5, ये वैल्यू लेस देन है 5 × 10^5 से, 5 × 10^5 से लेस देन है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन है, तो यहां से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो फ्लो हो रहा मेरा ओवर द प्लेट वो लेमिनार हो रहा, फ्लो कैसा हो रहा, लेमिनार ओवर द प्लेट, पूरी प्लेट में। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या था, बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी जा रही थी इंड पर, तो इंड पर यदि बाउंड्री लेयर थिकनेस है और आपको अभी भी पता चला कि इंड पर फ्लो लेमिनार है, तो लेमिनार के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको पता है फॉर्मूला, लेमिनार के लिए सर बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला होता है 5x डिवाइड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर, यही होता है। तो ये फॉर्मूला लेमिनार के लिए होता है, तो पहले मुझे सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि फ्लो लेमिनार है कि नहीं है, तो मैंने पहले प्रूफ किया कि फ्लो लेमिनार है तभी ये फॉर्मूला लगाया।
अरे ये टर्बुलेंट होता तो टर्बुलेंट वाला लगाता, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इन्होंने जो थिकनेस पूछी थी वो एक्चुअली में इंड पर पूछी थी, तो इंड जो है वो 500 mm के लिए, 500 mm मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, तो 0.5 अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर कितनी आई है, तो 1.33 × 10^5। चेक कीजिए, तो मैं चाहूं इस डेटा को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा टुकड़ों में सॉल्व कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो पाए। तो 1.33 × 10^5 का अंडर रूट 364.7 या 365 ही मान लीजिए। तो यहां पर जो 5×5 = 25 यानी 2.5 और डिवाइड बाई आ गया 365, परंतु ये जो मान आएगा वो मेरा मीटर में आएगा, लेकिन मैं mm में निकाल लेता हूं क्योंकि बाउंड्री लेयर की थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है। 2.5 / 365, तो ये मान आ रहा है मेरा मीटर में आया 6.84 × 10^-3। तो मैं इसको अगर सॉल्व रहा हूं 8000 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6.84 mm, मैंने डायरेक्ट ही 8000 का मल्टीप्लाई करा दिया, ध्यान रखना इस बात को। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर आ रही मेरे पास वो 6.84 mm आ रही, 6.84 mm। चटी जाए, तो बढ़िया सवाल था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन लगभग उसी जैसा ही है, लेकिन इसमें एक नहीं कई सारे पार्ट है, तो कोई बात नहीं, हम सारे पार्ट निकाल लेंगे। ए प्लेट ऑफ 600 mm लेंथ, कहा जा रहा है कि मेरे पास एक प्लेट है 600 mm लंबी है, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, 600 mm लंबी, और फिलहाल लिखा हुआ है 400 mm वाइड है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दी, काइनेमैटिक विस्कोसिटी भी दे दी, फ्लूइड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 6 m/s वेलोसिटी भी दे दी। पहला देखिए क्या पूछा रहा पॉइंट, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट ट्रेलिंग एज, मतलब ट्रेलिंग एज पर तुमसे बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ट्रेलिंग एज पर तुमसे बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछ रहा है, तो पहले ट्रेलिंग एज पर रेनॉल्ड नंबर तो निकाल लो, ट्रेलिंग एज पर रेनॉल्ड नंबर तो निकाल लो। तो चलिए फिर रेनॉल्ड नंबर एट ट्रेलिंग एज निकाल लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी फिर एल अपॉन म्यू, म्यू नहीं है न्यू, तो वी वेलोसिटी कितनी है 6, पूरी लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो पूरी 600 mm है भैया, लेकिन mm मत रखना गलत हो जाएगा, 600 mm को मीटर बना लो, तो 600 mm को मीटर बनाया जाएगा, तो 0.6 डिवाइड बाई काइनामेटिक विस्कोसिटी, तो काइनामेटिक विस्कोसिटी 10^-4, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं। अब देखिए इसको क्या लिखा जाता है, 6×36 यानी 3.6 × 10^4, बोलिए लिखा जाता है ना, ये जो 3.6 × 10^4 आया, क्या मैं अपने इस डेटा को 0.36 × 10^4 ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, बोलिए। अब ये बताइए, ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये मेरा 5 × 10^5 से लेस देन है, और जब भी कभी कोई भी रेनॉल्ड नंबर एट ट्रेलिंग एज 5 × 10^5 से लेस देन होती है, तो ये जो फ्लो हो रहा मेरा कंफर्म हो गया कि पूरे ट्रेलिंग एज तक जो फ्लो हो रहा मेरा वो लेमिनार ही बस हो रहा, कि पूरे ट्रेलिंग एज तक होने वाला फ्लो लेमिनार हो रहा। चेक कीजिए, अब इन्होंने पूछा क्या था, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट ट्रेलिंग एज, तो अगर ट्रेलिंग एज पर बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी जा रही है और ट्रेलिंग एज पर रेनॉल्ड नंबर आपकी लेस देन 5 × 10^5 आई है, तो इसका मतलब यही है कि फ्लो लेमिनार है और कोई प्रोफाइल नहीं दी गई, और जब भी कभी कोई प्रोफाइल नहीं दी जाती है, तो मैंने हमेशा बताया है कि आपको लगाना है ब्लेसियस रिजल्ट, तो लगा दीजिए फटाफट ब्लेसियस रिजल्ट और पहले वाले पार्ट का आंसर निकाल लीजिए। तो पहला वाला जो पार्ट है वो बाउंड्री लेयर थिकनेस एट ट्रेलिंग एज, तो मैं डेल निकालूंगा, डेल निकालूंगा, तो बताइए डेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डेल का फॉर्मूला हो जाएगा सर 5x / अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये लेमिनार थिकनेस है, लेमिनार फ्लो की थिकनेस है, बाउंड्री लेयर की है, ध्यान रखना इस बात को। 5 बताइए एक्स कितना है, तो पूरा ट्रेलिंग एज के लिए है, तो ट्रेलिंग एज के लिए पूरी लंबाई 600 mm ही हो जाएगी, लेकिन हाँ वही चीज है, आप चाहो तो डायरेक्ट mm ही रख दो, तो mm रख दो, तो यहां भी मान मेरा mm में ही आ जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर,
तो रेनॉल्ड नंबर कितनी आई है? सर रेनॉल्ड नंबर आई है 0.36 इंटू 10^4। बस फिर सॉल्व करा लीजिए डेटा को, डेटा सॉल्व करा लीजिए। तो पहले नीचे वाला डेटा सॉल्व करा लेते हैं। तो 0.36 इंटू 10^4 का पूरा अंडर रूट 3600 आया है, नीचे वाले का अंडर रूट 60 आया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5 इंटू 600 डिवाइड बाई 60, बताइए 10 बार और 10 पना 50। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस आ रही एट ट्रेलिंग एज, वो तुम्हारी आंसर पहला पार्ट आ रही है 50 mm, 50 mm। यानी आप ये कह सकते हो कि इस प्लेट के लिए 50 mm लास्ट में बाउंड्री लेयर थिकनेस मिलेगी, 50 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, दूसरा पार्ट सुनिए। सियर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ प्लेट, एंड ऑफ प्लेट पे मुझे सियर स्ट्रेस निकालना है। तो भैया मेरे अगर सियर स्ट्रेस निकालना है, थोड़ा सोचिए इस बात को, लेकिन कहीं पर भी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी रही। तो भैया जब वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी जाती है और सियर स्ट्रेस फिर भी पूछा जाता है, तो मुझे लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट की आवश्यकता पड़ती है, लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट। तो मेरा दूसरे पार्ट को निकालने के लिए मुझे लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, बताइए। तो इसको मैं सी एफ एक्स से डिनोट कर देता हूं, सी एफ एक्स से। अच्छा, सी एफ एक्स का मान ब्लेसियस में ही बताया गया था, अगर याद हो तो। सी एफ एक्स का जो मान आया था ब्लेसियस में, वो आया था 0.664, है ना। सी डी का मान इसका जस्ट डबल था। तो 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर, है ना। तो सी एफ एक्स निकाल दीजिए, और एट ट्रेलिंग एज पूछा जा रहा था सियर स्ट्रेस, चेक लेते कहां पूछा रहा था, सियर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ प्लेट, एंड ऑफ प्लेट मतलब ट्रेलिंग एज, ठीक है, सही है। तो सी एफ एक्स निकाल लीजिए, तो 0.664 और ट्रेलिंग एज के लिए रेनॉल्ड नंबर आई थी जितनी भी आई हो, उसका अंडर रूट जब निकाला था तो आपने 60 आया था। तो बस फिर यहां से मुझे सी एफ एक्स पता चल गया, लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट पता चल गया। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है। 0.664 डिवाइड बाई 60, 0.011, इसका जो मान आ गया वो आ गया 0.011, लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा, ये मान आ गया। अब मुझे सियर स्ट्रेस चाहिए था एट ट्रेलिंग एज या एट एंड ऑफ प्लेट। तो बताइए जल्दी से, सियर स्ट्रेस टाउ नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा लोकल स्ट्रेन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट प्लस हाफ रो यू स्क्वायर, प्लस हाफ रो यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा फटाफट। तो टाउ नॉट सी एफ एक्स 0.011 1/2 डेंसिटी, देखते हैं डेंसिटी दी रही नहीं दी रही, बिल्कुल दी रही है। ये देखिए डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, अगर 0.9 है तो डेंसिटी 900, लेकिन यू कितना है 6, यू 6। तो यहां कह सकते हो कि डेंसिटी हो जाएगी 9 और 6 का स्क्वायर 36। बस फिर डेटा निकाल लीजिए, यहां से आपको वॉल सियर स्ट्रेस निकलेगा एट ट्रेलिंग एज। तो 900 × 36 0.011 जितना आए बाई 2 कर दीजिए 178। तो ये जो मान निकला मेरा 178.2, तो वॉल सियर स्ट्रेस एट ट्रेलिंग एज आ गया 178.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही आ गया मेरे पास, चलिए है ना। बात को समझने का प्रयास कीजिए, बात बहुत खास है। दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया आपका, जो आपका तीसरा वाला पार्ट क्या पूछा रहा, तीसरा वाला पार्ट पूछा जा रहा है ड्रैग फोर्स बताइए एट द एंड ऑफ प्लेट, एंड ऑफ प्लेट पे मुझे ड्रैग फोर्स पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, अगर एंड ऑफ प्लेट पे ड्रैग फोर्स पूछा जा रहा है तो मुझे एक ड्रैग कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, बिना ड्रैग कोएफिशिएंट के नहीं लेता सवाल, सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता बिना ड्रैग कोएफिशिएंट के। तो ड्रैग कोएफिशिएंट को लगाते हैं, ड्रैग कोएफिशिएंट निकालते हैं, फिर हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये निकाला था उसी तरह से ड्रैग कोएफिशिएंट भी होता है। तो ड्रैग कोएफिशिएंट क्या होता है सर? नाउ ड्रैग कोएफिशिएंट सी डी। तो याद करिए, जब भी कभी कोई वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी जाती है उस समय ड्रैग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1.328।
डिवाइड बाई और अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। तो इसकी मदद से मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर अभी सॉल्व कराया इसी सवाल का, 60 आया था, तो 1.328 डिवाइड बाई 60, तो ये जो मान आ जाएगा वो 0.022। ठीक है, तो ये मान मेरा डायरेक्ट कोफिशिएंट का है। अच्छा डायरेक्ट कोफिशिएंट का मान पता चल गया तो मैं यहीं पर ही डायरेक्ट फोर्स ही बता सकता हूं, ड्रैग फोर्स ही बता सकता हूं। अरे ड्रैग फोर्स आपको पता हो कि ड्रैग फोर्स क्या होता है? सर ड्रैग फोर्स था कि सीडी टल लीजिए इनटू हाफ रो यू स्क्वायर, लेकिन साथ साथ एरिया का मल्टीप्लाई और ट्राइए, बिना एरिया के नहीं सॉल्व हो रहा है ना। तो ये फॉर्मूला मेरे ड्रैग कोएफिशिएंट ड्रैग फोर्स एफडी का होता है। तो लगा दीजिए जो जो दिया गया है आपके पास। सबसे पहले सीडी 0.022, रो डेंसिटी 900 इंटू यू, यू था हमारा 6 लेकिन यू का स्क्वायर 36 इंटू एरिया, इंटू एरिया, तो एरिया के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो एरिया था 600 इंटू 400, लेकिन 600 इंटू 400 नहीं कर सकता, 0.6 इंटू 0.4 करूंगा, 0.6 इंटू 0.4, फिर बाय 2 भी किया जाएगा। तो ये जो मान आ गया मेरे पास ड्रैग फोर्स का, ये 85.5 आ गया, तो 85.5, तो ड्रैग फोर्स जो मेरा पता चल गया वो 85.5 न्यूटन, ये मेरा ड्रैग फोर्स पता चल गया। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ड्रैग कोएफिशिएंट और सीडी और लोटल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट का क्या इस्तेमाल है। इनकी मदद से हम लोग वॉल शियर स्ट्रेस हो गया और कह सकते हो जितने भी और भी शियर स्ट्रेस है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने वाले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, उस वाले क्वेश्चन में आ जाता हूं जो क्वेश्चन अभी छूट गया था, ताकि आपको वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। हालांकि ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको यही ओनली समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए स्मूथ प्लेट 1.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग, तो लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू फ्लो ऑफ वाटर अलोंग द लेंथ। देखिए अलोंग द लेंथ फ्लो बोल दिया, इसका मतलब लंबाई को आपको 2 मीटर ही लेके चलना है, और कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। पहला पॉइंट पूछा जा रहा है, फाइंड एक्सटेंट ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर, मतलब लेमिनार बाउंड्री लेयर की कितनी लंबाई है। तो लेमिनार बाउंड्री लेयर की लंबाई निकालनी है, तो सबसे पहले देखो, इन्होंने लेमिनार बाउंड्री लेयर की लंबाई पूछी, एक्सटेंट कितना, कितने एमएम में मिलेगी। तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले निकालनी चाहिए इसकी रेनॉल्ड नंबर, कि मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर के लिए जो फॉर्मूला लगाना, अच्छा इन्होंने लास्ट में देखिए डायनामेटिक विस्कोसिटी भी दे रखी, तो मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर के लिए जैसे कि फॉर्मूला लगाना, मैं लगा भी देता हूं इस सवाल के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी वेलोसिटी 2 इंटू, साथ साथ हो जाएगा हमारा वेलोसिटी 2 इंटू, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा लंबाई 1.5 मीटर, अच्छा 1.5 मीटर नहीं 2 मीटर, डिवाइड बाई पहले इसको सॉल्व करा लेते हैं, डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो 4 × 10⁶, और 4 × 10⁶ चाहिए, तो आप इसको 40 × 10⁵ भी कह सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर इस दूसरे वाले सवाल की देखिएगा, 40 × 10⁵ आएगी, विच इज ग्रेटर देन 5 × 10⁵। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक निश्चित लंबाई तक फ्लो लेमिनार होगा और आगे की लंबाई तक हमारा फ्लो टर्बुलेंट भी होगा, ये श्योर है एकदम। तो उन्होंने जो लंबाई पूछी है वो किसकी पूछी है, वो केवल लेमिनार की पूछी है कि सर लेमिनार की लंबाई बताइए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 5 × 10⁵ इक्वल टू वी इंटू एक्स बटे आपका न्यू कर देना, वहां से जो एक्स निकलेगा वो आपकी पहला आंसर हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ लेमिनार बाउंड्री, यानी लेमिनार बाउंड्री लेयर कितना एक्सटेंट तक है, कितनी लंबाई तक फैली हुई है, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए भाई, अगर रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से करना है, तो रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ वी एक्स बटे न्यू, तो 5 × 10⁵ में मुझे 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा न्यू, तो −6 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो केवल 0.5 बचेगा, केवल 0.5, और डिवाइड बाई मुझे वेलोसिटी करनी पड़ेगी 2 मीटर, तो 0.25 मीटर आ गया, 0.25 मीटर आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 मीटर तक मेरा ये लेमिनार बाउंड्री लेयर फैली हुई होगी। थोड़ा सोचिए इस बात को। अच्छा 0.25 मीटर तक लेमिनार बाउंड्री लेयर फैली हुई, ये मैंने क्लियर कर दिया। फिर अगले वाले पार्ट पूछा जा रहा है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द ट्रेलिंग एज ऑफ लेमिनार बाउंड्री। तो ये जो 0.25 मीटर आया है, इस 0.25 मीटर पे ही बाउंड्री लेयर निकाल देना। लेकिन 0.25 के लिए पहले तुम्हें रेनॉल्ड नंबर निकालनी पड़ेगी, फिर चाहिए आते सवाल सॉल्व, है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है उसके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी देखिए सॉल्व करा दिए। अब बारी बस इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।